तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। लो भाई, फाइनली OMG 2 को क्लीन चिट मिल गई है। जहाँ दोस्तों मैंने पिछले दो वीडियो में बताया था ना, क्यों आखिर मूवी इतनी कंट्रोवर्सी का शिकार हो रही है, कैसे मूवी को एज सर्टिफिकेट्स के दायरे में रखकर परमिशन दी जा रही थी। इट मीन्स ये कि मूवी को एडल्ट कॉन्टेंट का वार्निंग देकर तब चलाया जाना था, लेकिन मेकर्स ने स्टैंड लिया अगेंस्ट CBFC, लगातार कोशिश करा और यस मंडे तक का टाइम दिया था CBFC ने और फाइनली मूवी को क्लीन चिट मिल गई है। जहाँ दोस्तों मूवी के ट्रेलर को सर्टिफाइड कर दिया है। देखो, ऐसा नहीं था कि सर्टिफिकेशन पहले नहीं मिला था, पहले भी मिला था, लेकिन तब एज एडल्ट कंटेंट मींस 18 प्लस वालों के लिए ही मिला था। इसके बाद बहुत से सीन्स एडिट हुए हैं और हाल ही में न्यूज़ सुनी भी होगी आपने कि पूरे 20 सीन्स कट कर दिए हैं मूवी से, तब जाके क्लीन चिट मिली है मूवी को। देखो, US सर्टिफिकेशन का क्या रोल है यहां पर, क्यों मेकर्स आखिर अड़े हुए थे कि हमें US सर्टिफिकेशन ही चाहिए, अदरवाइज हमें और बताओ और सीन्स एडिट कर देंगे अगर लोगों की सेंटीमेंट्स कहीं ना कहीं अगर हर्ट करेंगी अब भी तब। उसके बाद सेंसर बोर्ड लगातार एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार जांच करके मूवी को क्लीन चिट दिया है। तो अब आप लोगों का कहना होगा कि यार अक्षय पाजी कभी ऐसा कंटेंट लाते नहीं है जो इतना पंगा डाल दे पब्लिक में, क्योंकि उन्हें कंटेंट किंग बोला जाता है। बेस्ट सोशल मैसेज और काफ़ी वैल्यूएबल लेसन से भरी फिल्में होती हैं अक्षय पाजी की, तो OMG 2 में ऐसा क्यों है? हालांकि एक बार इमरान हाशमी होते तब तो मान भी लेते हैं ना। देखो, मूवी में सेक्स एजुकेशन के टॉपिक पर बात होनी है और इसका कनेक्शन रिलीजन से कर दिया है, तो यहाँ जो है कहानी थोड़ी डगमगा गई है अक्षय पाजी की। देखो, आफ्टर आदिपुरुष सेंसर बोर्ड बहुत बारीकी से ये रिलीजन कनेक्शन पर बनने वाली मूवी को चेक कर रहा है और पब्लिक को एक भी मौका नहीं देना चाहता है उंगली उठाने के लिए, क्योंकि पहले ही बहुत थूथू हो चुकी है सेंसर बोर्ड की। दोस्तों, अब मूवी को बिल्कुल साफ तरीके से क्लीन चिट मिल गई है, ट्रेलर को भी सर्टिफाइड कर दिया है और भाई साहब US सर्टिफिकेशन मिला है, तो अब मेकर्स फिर से कॉन्फिडेंट हो चुके हैं मूवी रिलीज के लिए। देखो, ये ट्रेलर वगैरह में इतनी देरदारी बस इसी के लिए हो रही है कि एक बार सेंसर बोर्ड सर्टिफाइड कर दे दोस्तों, बस एक दो दिन के अंदर ही आपको अब ट्रेलर भी देखने को मिल जाएगा और जहां तक है कल सुबह तक या फिर कल शाम तक ट्रेलर की डेट भी अनाउंस हो जाएगी, क्योंकि देखो समय बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि 11 अगस्त बस आ ही गई। दूसरा, 11 अगस्त को अभी तक पूरा फेवर सनी पाजी ने ले रखा है, गदर 2 ने ले रखा है। अगर एक दो दिन के अंदर ट्रेलर आ जाता है तो यस, ये फेवर इन्हें अक्षय पाजी और OMG 2 के साथ बांटना पड़ जाएगा। तो भैया अब दिल थाम के बैठ जाओ। हालांकि ट्रेलर की लेंथ भी इन्होंने अब रिवील कर दी है कि 3 मिनट 9 सेकंड का इसका ट्रेलर लेंथ होने वाला है और इतनी बड़ी लेंथ में तो बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर मूवी में होने क्या वाला है। तो बिल्कुल ट्रेलर से एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा मूवी में क्या कॉन्टेंट कहानी देखने को मिल सकती है। तो इंतजार करते हैं OMG 2 से जुड़ी अपडेट्स का। जैसे ही कोई अपडेट्स निकलती हैं हम आपके सामने फिर हाजिर हो जाएंगे सरल शब्दों में आपके पास ये अपडेट पहुंचाने के लिए। तब तक के लिए एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं, अगर गदर 2 के सामने मूवी को रिलीज 11 अगस्त को ही कर दिया तो आपको क्या लगता है, गदर 2 को बीट डाउन कर देगी OMG 2? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।